हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान गृह विभाग जयपुर से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। दो बड़ी भर्तियों को लेकर के आ रही है बड़ी खबर। दोनों भर्तियों में कुल 5500 प्लस पदों पर होगी भर्ती। मतलब कि दोस्तों आपको बता दें कि जो दोनों भर्तियां हैं उनमें टोटल 5500 पद मिलाकर के कुल मिलाकर बन रहे हैं। बड़ी अपडेट की ऑफिशियल बिंदुवार जानकारी आपको दी जाएगी। गहलोत सरकार की भर्तियों को लेकर के बड़ी घोषणा आचार संहिता में यहां पर कर दी गई है। तो साथियों, ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की और मुखातिब करवाते हैं आज की इस भर्तियों की बड़ी अपडेट से। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो घंटा का निशान है बेल आइकन, इसे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली इसी प्रकार की नई नई वीडियो और अपडेट्स की सीधे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले पहुंचते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए साथियों, बिना देर करे आपको ले चलते हैं सीधा अपडेट की और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी अपडेट से। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, @FirstIndiaNews। देख सकते हैं 2 घंटे पहले का ट्वीट किया गया है, #राजस्थान। 5190 होमगार्ड्स होंगे नियोजित रात्रि गश्त के लिए, 1190 होमगार्ड। यातायात व्यवस्था के लिए 1000 होमगार्ड। रिक्तियों के विरुद्ध 3000 होमगार्ड किए जाएंगे नियोजित। गृह विभाग ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और होमगार्ड भर्ती यहाँ पर 5190 होमगार्ड भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जल्दी आचार संहिता तक जो खत्म हो जाएगी उसके पश्चात आप देख पाएंगे कि एक जल्दी बहुत बड़ी भर्ती आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ले चलते हैं आपको दूसरी बड़ी भर्ती के अपडेट की ओर। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान ने यहाँ पर एक और ट्वीट किया है और यहाँ पर इनका ऑफिशियल अकाउंट वही 2 घंटे पहले ट्वीट किया गया है। राजस्थान SI प्लाटून कमांडर के पदों पर होगी भर्ती। खाली 505 पदों पर की जाएगी भर्ती। गृह विभाग ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है कि 505 पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गृह विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। और जैसे वित्त विभाग के यहाँ से आप देख सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के यहाँ से जब भर्ती का प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उसकी अभ्यर्थना सीधे कार्मिक विभाग को जाएगी और कार्मिक विभाग के बाद में सीधा RPSC को भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। भर्ती प्रक्रिया 505 पदों पर आ रही है। ये भर्ती आपके SI के जो लगभग 1000 पदों पर भर्ती आने वाली थी उससे भिन्न है। वो तो भर्ती आएगी 11000 पुलिस कांस्टेबल के साथ में। 1000 SI की जो घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार महोदय के द्वारा, वो तो थी। उसके अलावा ये SI प्लाटून कमांडर के अलग से 505 पदों पर यहाँ पर भर्ती बताई गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। जो भी प्रतिभागी इस भर्ती का बड़े दिनों से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और कई प्रतिभागी यहाँ पर कमेंट करके अनेक वीडियो के नीचे पूछ रहे थे कि सर कोई नई भर्ती आ रही हो या फिर SI की या प्लाटून कमांडर की कोई भर्ती आ रही, तो उसके संबंध में अपडेट उपलब्ध करवाई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। सभी प्रतिभागी यहां पर कृपया सूचित हो जाएं और सुनिश्चित कर लें कि अब भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चूंकि आचार संहिता लगी हुई है और अभी जो प्रस्ताव है वो गृह विभाग ने वित्त विभाग के पास इसीलिए भेजा है कि आचार संहिता खत्म होने से पहले पहले वित्त विभाग इस प्रस्ताव को पारित कर दे और तुरंत प्रभाव से जैसे आचार संहिता खत्म हो इसे कार्मिक विभाग के पास भेज दे। और इसी दरमियान कार्मिक विभाग तुरंत प्रभाव से RPSC के पास भेज दिया। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि आपको RPSC जल्द ही एक विज्ञप्ति नई बड़ी भर्ती 505 पदों पर जारी करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों धन्यवाद, यदि आपको वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको इसी प्रकार की आने वाली नई नई वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल के बार में सबसे पहले पहुंचते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो दोस्तों आपका एक छोटा सा प्रयास हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे ये अपडेट ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी इस अपडेट से मुखातिब होते हुए लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद साथियों, एक नई वीडियो नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।